सब्सक्राइब कीजिए हमारा टेक्निकल मंजूर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन हमारा वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वेलकम टू आवर टेक्नोलॉजी चैनल टेक्निकल मंजूर में आज हम बात करेंगे वीवो का लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन के बारे में, जो कि जनवरी 2019 में लॉन्च हुआ है और वो इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं होगा। इस फोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में हम जान लेते हैं। इस फोन का रैम है 12GB और इंटरनल स्टोरेज है 256GB और इस फोन में कोई भी बटन या होल नहीं देखने को मिलेगा। जो कुछ भी है सब कुछ सेंसर टाइप के तौर पर मौजूद है यहाँ पर, जैसे कि पावर बटन और वॉल्यूम की रॉकर और चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक्रोफोन का जो होल होता है सब कुछ इसमें इंक्लूडिंग है। डिजाइन ऐसा किया गया है कि इस फोन को आप देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ इसमें है ही नहीं, पर असल में इसके अंदर सब कुछ मौजूद है सेंसर की तौर पर। और इसका कैमरा पीछे में डुअल रियर सेंसर है, तगड़ी कैमरा है इसका। और प्रोसेसर इसमें मौजूद है स्नैपड्रैगन का क्वालकॉम 855, जो कि बहुत बढ़िया प्रोसेसर है, अभी तक LG में हमें देखने को मिला है। और इस फोन का नेटवर्क 5G नेटवर्क में काम करेगा और इसमें कोई सिम कार्ड आपको इनबिल्ट करने का मौका नहीं दिया जाएगा, इसमें ई सिम कार्ड यूज़ करने पड़ेंगे आपको। और इस फोन का बॉडी का डिजाइन यूनिबॉडी टाइप का है। इसका जो वॉल्यूम की रॉकर और पावर बटन है वो सेंसर की तौर पर इसके अंदर मौजूद है। वीवो FX स्मार्टफोन में आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, तो किस तरह से चार्ज करना है वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। इसके पीछे में एक मैग्नेट सिस्टम यूज़ किया गया है। जब आपका चार्जिंग एडाप्टर इसके पास ले आएंगे तो ऑटोमेटिक इसके साथ चिपक जाएगा। ये मैग्नेट सिस्टम का एक अनोखी डिज़ाइन है और इसके थ्रू आपका फ़ोन में चार्ज कर सकते हैं। तो इस फोन का जो डिज़ाइन है इसमें साबित ये होता है कि ये फ़ोन वाटरप्रूफ है। इस फोन के लिए हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इंडिया में लॉन्च होगा और हम इसे देख पाएंगे। रिसेंटली कुछ कंपनी ने अपना जो स्मार्टफोन लॉन्च किया है उसमें पिंच होल डिस्प्ले देखने को मिला है, जिसका कॉर्नर में एक कैमरा मौजूद है। तो वीवो FX में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है। लगता है इसका फ्रंट कैमरा ऊपर से पॉप अप की तरह निकल कर आएगा, तो हमें इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिला है। तो देखते हैं इसका और स्पेसिफिकेशन के बारे में क्या क्या है इसमें। 5G फोन अभी तक हमारा इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, किसी कंपनी ने अभी तक लॉन्च नहीं किया है और हमारा सपना है कि 5G फोन देखने का।
तो 5G फोन कैसा होगा, किस तरह का होगा, कौन कौन सा स्पेसिफिकेशन उसमें मौजूद होगा, ये हमारे पास अभी तक जानना बाकी है। तो चलिए देख लेते हैं Vivo FX 2019 का जो मॉडल है उसमें कौन कौन सा फीचर मौजूद है और फोन का जो डिज़ाइन है वो कैसे हम जान लेते हैं। तो पहली बात, Vivo FX 2019 का फर्स्ट महीना यानी कि जनवरी में लॉन्च हुआ है दूसरी कंट्री में, पर हमारा इंडिया में अभी तक नहीं आया है और कब तक आएगा ये हमको नहीं पता। तो इस फोन का रैम है 12GB और इसका जो इंटरनल स्टोरेज है वो है 256GB। इस फोन में कोई भी बटन या होल आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि पावर बटन, वॉल्यूम की रॉकर और चार्जिंग पोर्ट का जो ऑप्शन है या हेडफोन का जो ऑप्शन है या माइक्रोफोन स्पीकर का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और भी एक बात है, इसमें कोई भी सिम आप बाहर से नहीं लगा सकते, इसमें ई सिम टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है और ई सिम का टेक्नोलॉजी के बारे में हम अभी तक नहीं जानते हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं। और इस फोन का जितने भी सिस्टम है वो सब कुछ इंक्लूडेड है, जैसे कि इसका फिंगरप्रिंट भी इंक्लूडेड है और इसका वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन सब कुछ इनमें सेंसर की तौर पर मौजूद है। इसका जो बॉडी का डिज़ाइन है वो यूनिबॉडी क्वालिटी का डिज़ाइन है, एकदम प्लेन, जैसे कि हाथ में रखा जाए तो फिसल जाएगा, ऐसा ही डिज़ाइन है। और इसके पीछे में डुअल रियर सेंसर कैमरा मौजूद है जिसका क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 चिपसेट, और ये चिपसेट 5G नेटवर्क को सपोर्ट करेगा। आज के लिए बस इतना ही, आपको इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और आपको फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और ऐसा टेक न्यूज़ पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर दिस वीडियो, हैव ए गुड डे।